Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi everyone. Welcome back to DK Education Academy. बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 नाइन्थ क्लास नंबर सिस्टम. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक होना है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से होना. ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास समझते हैं ना बच्चे, जिससे हम जूम करके देखते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके का दिखता है वो, आपने देखा होगा कुछ ऐसा सा जूम करके जिसे देखते हैं हम, है ना. ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे और देखेंगे. तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या सीखना है इस टॉपिक में. रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हमने रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखना है. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले नंबर लाइन की बात करते हैं, है ना. तो नंबर लाइन बच्चे आप सभी ने देखी है कैसी होती है. यहाँ पे इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये नेगेटिव साइड होती है और ये पॉजिटिव साइड होती है ना, बीच में जीरो, इस तरफ वन टू थ्री फोर डॉट 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 एंड सो ऑन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो ऑन, है ना. इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प लूँ तो ये जूम हो जाएगा बच्चे. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं वन और टू को ले लेता हूँ. ठीक है, ये मैंने ले लिया वन और टू को, इट मीन्स ये वन है और ये टू है. ठीक है, अब बच्चे इसके बीच में कितने पार्ट्स होते हैं, अगर आप ग्राफ पेपर को देखते हैं तो इसके बीच में टेन पार्ट्स होते हैं ना, टेन पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये बनेगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये 2 हो गया. ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया था, ये 2 हो गया. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि अगर मेरे को इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना, देखो आप चेक करो, 1 पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगर मेरे को इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो मेरे को क्या बीच में 9 नंबर्स लिखने पड़ेंगे, है ना. ठीक है, तो ये हमने कैसे किया कि बेटा 1 और 2 को हमने मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से जूम कर लिया, बड़ा कर लिया, तो ये सारे नंबर्स हमें दिख गए, है ना. इसी प्रकार से अगर मुझे इन दोनों के बीच में चलना हो तो मैं मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से इसको भी जूम कर लूं और इसके बीच में भी 10 नंबर मेरे को मिल जाएंगे. ठीक है बच्चे, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको. हाँ, तो एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं एक बार. एग्जांपल नंबर 11 पेज नंबर 16 एनसीईआरटी. तो बच्चे इसमें लिखा है एग्जाम्पल में, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार. 5.37 बार यानी कि 7 के ऊपर बार है बोलिए, है ना. ठीक है, ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस. इसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है कितने डेसिमल प्लेसेस तक, 5 डेसिमल प्लेसेस तक. और उसके लिए बताया भी है दैट इज अप टू 5.37777. 1, 2, 3, 4. हाँ जी, देखो 1, 2, 3, 4, 5 प्लेस. तो बेटा देखते हैं एक बार इसको ना कैसे करेंगे. देखिए हमें प्लॉट करना है 5.37777, है ना. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, पहला स्टेप. तो 5.377 कहाँ पे होगा बच्चे, 5 और 6 के बीच में होगा, है ना. तो मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ पहले. लेट्स से ये 0 ले लेता हूँ, -1, -2, डॉट डॉट डॉट, इस साइड 1, 2, 3, 4, 5 और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, लेट्स से 6, है ना. तो आपका ये जो है 5.37777 कहाँ पे होगा बेटा, यहाँ पे होगा. अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, है ना, यानी कि 5.377 प्लॉट करने के लिए इसको, ठीक है, जूम करके देखते हैं एक बार. हाँ जी,
तो पांच और छह को मैंने किया है, तो पांच यहां पे आ गया और छह ये आ गया, है ना। अब देखिए इसके बीच में क्या होगा बच्चे, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और 6 को थोड़ा सा पास ले आते हैं तो ये 6। ठीक है बेटा, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं 5.37 की, तो 5.37 कहां पे होगा, इन दोनों के बीच में होगा, है ना। ठीक है, तो अब इसको जूम करके देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से। हां जी, तो ये हो गया आपका 5.3 और ये हो गया आपका 5.4। अब जब मैंने इसको जूम किया तो इसके बीच में 10 पार्ट्स आ जाएंगे, 10 पार्ट्स, तो क्या आएगा बच्चे, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, ठीक है। और इसको थोड़ा सा पास ले आते हैं तो ये हो गया आपका 5.4। ओके, हां जी, तो यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको क्या प्लॉट करना था, 5.37, तो 5.37 तो यहां पे है, लेकिन उसके बाद एक और 7 चाहिए, तो मुझे इसको जूम करना पड़ेगा, है ना, इस वाले टिकेट को। तो चलिए इसको जूम करके देखते हैं एक बार विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। 5.37 ये आ गया और 5.38 यहां पे आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इसके बीच में 10 पार्ट्स बनाते हैं। तो पहला बनेगा 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379 और ये 5.38 हो जाएगा, है ना। ठीक है, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमने देखना है कि हमारा जो पॉइंट था वो क्या था, 5.37777, यानी कि 4 बार 7 था, तो 2 बार 7 आया, यानी कि अब इन दोनों को मुझे जूम करना होगा, है ना, इन दोनों के बिटवीन आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं एक बार जूम करके। तो बच्चे ये आ गया यहां पे, दैट इज 5.377 और ये आ गया आपका यहां पे 5.378। अब इनके बिटवीन, ठीक है, 10 पार्ट्स लेकर लेते हैं। तो पहला पार्ट आएगा आपका 5.3771, है ना। अगला 5.3772, नेक्स्ट 5.3773, नेक्स्ट 5.3774, नेक्स्ट 5.3775, देन 5.3776, देन 5.3777, है ना, और उससे अगला 5.3, मैंने ये गलत लिख दिया यहाँ पे, 1.37 लिखा था यहाँ पे ना मेरे को, 5.3776, 5.3777, हाँ, तो 5.3778, 5.3779, उसके बाद ये आ जाएगा, तो इसको पास में ले आता हूँ मैं, 5.378। ठीक है बच्चे, ओके, अब देखते हैं कितना रह गया है। हमें जो प्लॉट करना है वो है 5.37777 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, अभी हमारे पास 3 आए हैं, यानी कि 1 की और कमी रह गई है। तो किसके बिटवीन होगा बेटा,
इन दोनों के बिटवीन होगा, है ना। तो मैं इन दोनों को एक बार और जूम करके देखता हूं। तो बिफोर दैट बेटा मैं ऊपर का थोड़ा सा रफ कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ तो बच्चे मैंने ये रफ कर दिया ऊपर, और ऊपर देखते हैं इसके आगे ना, इस वाले को ओपन करके। तो ध्यान से देखना बेटा, मैंने फिर से अगेन एक नंबर लाइन बना दी, और यहां से और यहां पे इन दोनों को अब मेरे को ओपन करना था। तो पहला पॉइंट है 5.377, 1, 2, 3, और यहां पे है 5.3778। अब इसको ओपन करना था बच्चे, है ना, ये चीज निकालने के लिए, क्योंकि मेरे को 4x7 चाहिए। तो 4x7 अब मेरे को मिल जाएगा यहां पे, है ना। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, पहला पॉइंट क्या आएगा, 5.3777, 3 बार था ना 7, और फिर उसके बाद 1 आएगा, ठीक है। अगला क्या आएगा, 5.3777, फिर 2, फिर उससे अगला 5.3773, उससे अगला 5.3774, देन 5.3775, फिर 5.3776, देन 5.3777, और यहां पे 5.3778, ठीक है, और फिर 5.3779 उसके बाद ये आ गया, है ना। तो देखिए क्या मेरे को अपना नंबर मिल चुका है बच्चे, 5.3 4x7, है ना। तो 5.3 1, 2, 3, 4, 7, हाँ बिल्कुल मिल चुका है। तो बेटा ये रहा वो पॉइंट, मैं इसको ब्लैक मार्कर से डिनोट कर देता हूं, ये वो पॉइंट है बच्चे जो आपको निकालना था, है ना। तो ये बच्चे हमने प्लॉट कर दिया है, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, और आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने बताया कि आप क्या करते हैं कि उस इंटरवल को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, जिस इंटरवल में आपका पॉइंट जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे, है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल मैंने करा दिया है आपको, एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं, और एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे सेल्फ ट्राई। अगर इन केस आपका कोई भी डाउट आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी फोटो डाल दूंगा सॉल्यूशन की, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए बेटा इसको, सबसे पहले 3.765 नंबर है, और उसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो इट मीन्स हमें पता होना चाहिए नंबर कहां पे लाई करेगा। तो बेटा डेफिनेटली ये नंबर 3 से बड़ा और 4 से छोटा है ना, तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो चलो मैं एक स्टार्ट करता हूं, एक नंबर लाइन बनाता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पे 3 और यहां पे 4 लिया, है ना। अब इसके बीच में इसके 10 पार्ट्स लूंगा, है ना। तो 10 पार्ट्स में पहला पार्ट क्या आएगा बेटे, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9, ठीक है, एंड 4। ओके तो हमें क्या चाहिए बेटा, 3.7। तो 3.76 कहां पे आएगा, अगर मैं 3.76 की बात करता हूं तो वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो अब मेरे को इसको जूम करके देखना होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको, मैग्निफिकेशन की हेल्प से 3.7 यहां पे है और 3.8 यहां पे है ना। तो इसको 10 पार्ट्स में मैं डिवाइड करने जा रहा हूं। तो ये हो गया आपका 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, ठीक है, और लास्ट में 3.8 आ गया। ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके अब मेरे को चाहिए 3.765। तो 3.76 यहाँ पे है, तो इट मीन्स 5 इन दोनों के बिटवीन आने वाला है। ओके तो इसको
जूम करके देखते हैं एक बार मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से। हाँ, तो पहला नंबर क्या है, 3.6। यहां पे मैंने प्लॉट कर दिया 3.6 और दूसरा था 3.77। ठीक है, अब इसके बीच में इसके 10 पार्ट्स लिखते हैं। तो पहला पार्ट आएगा बच्चे 3.761, सेकेंड इज 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769 और लास्ट में 3.77। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ ठीक है, ओके। अब मेरे को नंबर देख लेते हैं कौन सा चीज था, क्या मिल चुका है या नहीं। 3.765, 3.765, हाँ बिल्कुल मिल चुका है बच्चे। ये देखो ये प्लॉट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप चाहो तो P पॉइंट का नाम दे दीजिए, P से डिनोट कर दो इस पॉइंट को। P इज इक्वल टू कितना है, 3.765। ठीक है बेटा, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, ठीक है, एक्सरसाइज में, वो आप सेल्फ ट्राई करें। आज की वीडियो यहीं तक थी, थैंक यू सो मच, बाय।